हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रेड सॉस पास्ता। ये पास्ता हम बनाने जा रहे हैं रेड सॉस में, जो एक इटालियन पास्ता है, और बिल्कुल सेम टू सेम वैसा बनाने जा रहे हैं जैसा कि हम डोमिनोज में खाते हैं, जैसा हमें डोमिनोज में मिलता है, बिल्कुल वही सॉस इस्तेमाल करके। तो ये रेसिपी बनाना बहुत ईजी है। आप देखेंगे कि हम रेस्टोरेंट्स में, मार्केट में इतने ज्यादा पैसे डालते हैं या तो ये सॉस खरीदने के लिए या पूरा बना हुआ पास्ता लेने के लिए, जो कि मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, और हम घर पे बहुत आसानी से बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बिल्कुल वैसा ही टेस्ट, वैसा ही फ्लेवर हम घर पर भी बना सकते हैं। तो ये शुरुआत करते हैं, इसे हमें कैसे बनाना है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने एक भकोनी में, आप देख सकते हैं, पानी गर्म करने रख दिया है। नॉर्मली हम इसमें अपना पास्ता बॉइल करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ऑलमोस्ट एक चम्मच से थोड़ा ज्यादा, लाइक डेढ़ चम्मच करीब नमक। साथ ही डालेंगे इसमें एक चम्मच ऑयल, और इसे बॉईल होने देते हैं। एकदम से लाइक इतना बॉईल करना है कि इसमें बबल्स आने लगे, खटकी आने लगे। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत आना भी शुरू हो गया है, तो इसे बॉईल होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बॉईल आ गया है इसमें अच्छे से, ये बॉईल होने लगा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपना पास्ता डाल देंगे। ये मैंने ऑलमोस्ट एक कप पास्ता लिया है, ये ट्विस्टेड पास्ता लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी पास्ता ले सकते हैं, लाइक आप एल्वो पास्ता ले सकते हैं, या मैक्रोनी पास्ता ले सकते हैं, या पेने पास्ता, बो पास्ता, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या स्पेगेटी पास्ता, कुछ भी आप इसमें ले सकते हैं। अब इसे बॉईल होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पास्ता है वो बॉईल हो चुका है। जो गैस फ्लेम है मैं इस समय ऑफ कर देती हूँ और इसे स्टीम कर लेती हूँ, एक छलनी में निकाल लेती हूँ। फिर इसे जो करना है हमें, जो ठंडे पानी में वॉश करना है अच्छे से, ताकि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और जो इसके अंदर जो हल्का स्टार्च रहता है वो भी निकल जाए। तो हम इसे स्टेन करके वॉश कर लेते हैं। देखिए मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, देख सकते हैं कितना खिला खिला लग रहा है ये। अब हम क्या करेंगे, हमने एक पैन रखा है, हम इसमें डालेंगे ऑयल। ये मैं ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं, जो भी आपके घर पर हो। और इसी में हम डालेंगे अपना बटर, ऑलमोस्ट एक बड़ा चम्मच इसमें बटर डाल रही हूँ। इसे मेल्ट होने देते हैं। ये देखिए हमारा बटर जो है मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट करा हुआ गार्लिक, ऑलमोस्ट आधी छोटी चम्मच। इसे सौते करेंगे, बस ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का पिंक होने तक ही हमें पकाना है इसको। इसका थोड़ा बस कच्चापन निकल जाए, इसकी फ्रेग्रेंस आने लगे। हमारा जो गार्लिक है वो हल्का पिंक हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं अपने कैप्सिकम और अनियन, ये दोनों मैंने डाइस शेप में काटे हैं, इसको भी डाल देंगे। और इसको ज्यादा नहीं पकाना है, हल्का सौते करना है, लाइक जो क्रंची फ्लेवर है इसका वो आना चाहिए। दो से तीन मिनट इसे पकाते हैं हम। देखिए गाइस, अच्छे से सौते हो चुका है, हल्का सा क्रंच भी है और हल्का सा पक भी चुका है। अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे अपनी पिज्जा सॉस, या जिसे रेड सॉस भी बोलते हैं। ऑलमोस्ट तीन बड़े चम्मच मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, और इसे स्लो मिक्स कर देंगे। जो गैस फ्लेम है हमें इस समय एकदम स्लो रखनी है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आने लगा है इसका, इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें साथ ही डालेंगे अपनी टमाटो सॉस, ये मैं ले रही हूँ ऑलमोस्ट दो बड़े चम्मच, से भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका, देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू अवर टेस्ट, लाइक थोड़ा कम ही डालेंगे, बिकॉज जो पिज्जा सॉस है उसमें भी सॉल्ट रहता है, और जो टोमेटो सॉस डाली है उसमें भी सॉल्ट रहता है, ये हल्का बहुत। तो मैंने आधी छोटी चम्मच इस समय डाला है, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं बाद में थोड़ा और डाल दूंगी। साथ ही हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, ऑलमोस्ट आधी छोटी चम्मच, मिक्स कर देंगे।
इसमें डालेंगे मिक्स हर्ब्स, इसे भी एक बार क्विक मिक्स दे देंगे जल्दी से। लास्ट हम इसमें डालेंगे अपना बॉइल्ड पास्ता, हम अपना बॉइल्ड पास्ता डाल देते हैं। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना लवली कलर आ रहा है इसमें। अब हमें क्या करना है, लास्ट में हम इसमें डालेंगे, मैं चीज स्लाइस डाल रही हूँ, मैंने इसके टुकड़े कर लिए हैं। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं हो तो नहीं डालिए। और इसकी जगह आप प्रोसेस चीज भी डाल सकते हैं, पिज्जा चीज भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं हो तो ऐसा नहीं है, बिना इसके पास्ता नहीं बन सकता है रेड ग्रेवी वाला। ऑब्वियसली टेस्ट में हल्का डिफर होगा, लाइक जो डोमिनोज में मिलता है उसमें डालते ही डालते हैं, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा। अब हम इसे मिक्स करके इसको कवर कर देते हैं लिड की हेल्प से, ताकि जो चीज है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और पूरे में अच्छे से मिल जाए। ये मैं लिड की हेल्प से इसे ढक देती हूँ, इसे बस 2 मिनट पकने देना है और ये बन के तैयार है। 2 मिनट हो चुके हैं, मैं इसका लिड हटाती हूँ। आप देखिए कितना प्यारा कलर आया और जो चीज है वो एकदम मेल्ट होके पूरे में स्प्रेड हो चुका है। जब तक मैं इसे बाउल में निकालती हूँ, जब तक आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को एक लाइक दीजिए। यार डोमिनोज स्टाइल पास्ता घर में बैठे बैठे आप खा सकते हो। आई नो सभी मिस कर रहे हैं समय बाहर का खाना, पर अभी लॉकडाउन के चक्कर में कोई नहीं खा पा रहा है कहीं का खाना। कोई बात नहीं, आप घर पे ही बनाइए इस रेसिपी को, बहुत टेस्टी लगती है। ट्रस्ट मी गाइस, एग्जैक्ट डोमिनोज जैसी लगती है ये पास्ता की रेसिपी। तो आप इसे घर पे बनाइए, और कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, बाय बाय।